बिहार के दूसरे अत्याधुनिक राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उपमुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा विधिवत रूप से किया गया। 19 एकड़ में 410 करोड़ की लागत से इस महाविद्यालय का निर्माण कराया गया है। इस परिसर में 24 खंडों में 5 तरह के भवन बनाए गए हैं। शुरुआत में कॉलेज निर्माण का बजट 383 करोड़ था। कार्य में हुए देरी के कारण बढ़कर 410 करोड़ हो गया। इसे पूरा करने में 3.5 साल लग गए। हालांकि अब भी मुख्य भवन को छोड़कर काफी काम बाकी हैं। इस कॉलेज में रात दिन बिजली उपलब्ध रहेगा। इसके लिए 50 किलोवाट का सोलर प्लांट, पावर बैकअप के लिए 2800 केवीए का 4 जनरेटर लगे हैं। इस अस्पताल में 4600 केवीए का संभावित लोड होगा। इसके लिए 1600 केवीए के 3 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। खास यह कि दिन ढलने के साथ ही अंधेरा होते ही लाइट स्वतः जलने लगेगा। फरवरी माह से अन्य रोगों का इलाज शुरू हो जाएगा। इसके बाद फरवरी से 100 बेड का अस्पताल भी काम करने लगेगा, जहां अन्य रोगों का इलाज किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह अस्पताल और कॉलेज राष्ट्रीय स्तर का है। यहां जितने भी मशीन लगाए गए हैं वे सभी अत्याधुनिक हैं। इसी दौरान नीतीश कुमार ने इशारों में कहा कि आने वाले समय में बिहार का काम तेजस्वी यादव देखेंगे। उनके इस बयान से कयास लगने भी शुरू हो गया है कि जल्द ही नीतीश कुमार तेजस्वी को बिहार की बागडोर देने वाले हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम क्या कहें, जब तक ये रहेंगे तब तो नहीं, लेकिन जब इनसे मुक्ति मिल जाएगी तो नालंदा विश्वविद्यालय खूब बढ़िया बनेगा, वैसा ही जैसा हम चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि यह नालंदा के लिए ही नहीं बल्कि बिहार और देश के लिए इस अस्पताल का बहुत बड़ा तोहफा मिला है। आप जानते होंगे मिशन 60 के तहत सूबे के अस्पतालों का कायाकल्प किया जा रहा है। आने वाले दिनों में लोगों को जिले के अस्पतालों में ही सारी सुविधाएं मिले, इस पर प्रयास किया जा रहा है। जल्दी सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। दंत चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल के कारण एक बार फिर नालंदा का नाम राष्ट्रीय स्तर पर आएगा। जमाने से सोच रहे थे कि बन जाए, जब बनना शुरू हो गया तो बराबर जब जाते थे तब कहते थे भाई इसको और तेजी करिए, और कह ही दिया था कि इस साल पूरा करिए। मुझे खुशी है, मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री को और हमारे अपर मुख्य सचिव जी, एकदम हो गया। आप समझ लीजिए कितने बेड का है सर। ये तो 100 ट्रीटमेंट में, देखिए जो डेंटल करेगा उसके लिए 100, इसके अलावा और एक हॉस्पिटल साथ साथ बनवा रहे हैं, खाली डेंटल का नहीं, उसके अलावा भी जो दूसरा भी होगा उसमें भी 100 बेड का रहेगा। जनरल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल तो इतना अच्छा जनरल हॉस्पिटल भी रहेगा और डेंटल का ट्रीटमेंट कहीं है इतना बढ़िया, बोलिए पूरे बिहार के अलावा, पटना के अलावा तो यही नहीं, पूरे देश का, पूरे देश का वन ऑफ द बेस्ट डेंटल हॉस्पिटल ये होगा और चारों तरफ से लोग आवेंगे अपना। धन्यवाद, चलिए बहुत अच्छा। के लिए तोहफा नहीं है बल्कि पूरे बिहार और देश के लिए तोहफा है, क्योंकि इससे बड़ा शायद ही कोई और अस्पताल इस देश में दंत चिकित्सा का, और सह अस्पताल जो कि 100 बेड का भी होने जा रहा है, वो शायद ही यहाँ कहीं देश भर में इतना बड़ा सुविधा और तकनीक टेक्नोलॉजी उपलब्ध यहाँ कराई गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ लड़कों का भी हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल भी है, लड़कियों के लिए भी सह अस्पताल भी बन रहा है, और आप देखिएगा इतना बढ़िया यहाँ ये हॉल बना है। वाकई में ये कह सकते हैं कि नेशनल लेवल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से ये सारा सुविधा जो है यहाँ दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है आगे बढ़ रहा है, और मरीजों को, चाहे कहीं के भी मरीज हों, किसी भी रोग से पीड़ित मरीज हों, उनको सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लोगों का इलाज हो सके, ये स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, इसमें हम सब लोगों की कोशिश है कि बिहार की जनता को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के हित में हम लोग काम कर सके,
बिहार आगे हमारा बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े, तरक्की हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागों में हर एक चीजों का ध्यान रखा जाता है।